निफ्टी दोस्तों मचा रहा है धमाल, जिसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की भी थी कि 17,000 के ऊपर चला था। उस टाइम पे भी बात की थी कि इसका टारगेट जो है वो 21,000 है, और अब तो सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि 21,000 आएगा। लेकिन अब कहानी में दोस्त थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। अब यहाँ से निफ्टी एक बार जो है वो करेक्शन कर सकता है, यहाँ से करता है, यहाँ से 200-400 पॉइंट ऊपर जाके करता है वो एक अलग बात है, लेकिन अब करेक्शन का टाइम जो है वो आने वाला है, तो हमें जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के सपोर्ट के ऊपर कि क्या सपोर्ट रहेगा और क्या उसका जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा उसके बारे में। तो उसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 18,275 का लेवल। अगर हम ये लेवल नीचे की तरफ काटते हैं तो फिर उसके अंदर का जो है वो एक मंदी देखने को मिल सकती है। 18,100 इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके नीचे 17,900 फाइनल सपोर्ट है दोस्तों, और 17,750, 17,550 के जो लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर ये करेक्शन एक्सटेंड होता है तो लगभग लगभग 17,250 300 के आसपास ये करेक्शन मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए, फिर वहां पर चर्चा करेंगे क्या होता है। लेकिन अब करेक्शन का टाइम आने वाला है, तो थोड़ा सा अब आप सतर्क रहे। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तब हम जो है वो डिटेल में चर्चा करते हैं, तो फिर हमें उसका जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो सकता है। दोस्तों उससे पहले छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, अगर आप भी ऐसे पता लगाना चाहते हो 5 सेकंड के अंदर कि बाय बनेगा सेल बनेगा, निफ्टी कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके आप पता लगा सकते हो। अब चर्चा करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस रहेगा 375। अब आपको हर एक कदम जो है वो फूंक फूंक के रखना है, अगर बाई की साइड में है तो। सेल में भी हमें वेट करना है, जब तक चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन ना आए तब तक जो है वो सेल अवॉइड करे दोस्तों। 18,375 इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर चलते 18,500 वो लेवल रहेगा, उसके ऊपर 650, 18,775 और 18,900 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो करेक्शन है दोस्तों, कोई मंदी की बात नहीं कर रहा। मेरा टारगेट 21,000, 28,000, 35,000 जो मैंने बताया था निफ्टी डबल होना है, वो तो होना ही होना है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि झटके भी आते रहते हैं। वो झटके का समय मुझे लग रहा है कि आ चुका है या आने वाला है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, तो आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहे निफ्टी के अंदर। बात कर लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा 42,050 का लेवल, ये लेवल नीचे की तरफ काटते हैं तो 41,825 रहेगा इम्पोर्टेंट, उसके नीचे 41,550 फाइनल रहेगा, फाइनल काटते हैं तो 41,300, 41,000 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों, तो रेजिस्टेंस रहेगा उसका 42,250 का लेवल, इसमें भी अब जगह थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, तो 42,250 इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर चलते हैं तो 450 रहेगा, 450 के ऊपर 700, और लगभग एक बार स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए शायद दोस्तों आपको जो है वो ये दिखा सकता है 43,000 के आसपास के लेवल, 42,950, 43,150 के जो लेवल है वो हमें ये दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बहुत जल्द करेक्शन जो है वो शुरू हो सकता है, तो थोड़ा सा अब कारण क्या बनेंगे, वजह क्या बनेंगे, ग्लोबल बनेगा दोस्तों वो देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना। कोई अपना कैश के पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये लेवल जो है वो सिर्फ आप ट्रेडिंग के लिए ध्यान में लेना, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। करेक्शन हो रहा है, कोई महामंदी, कोई बड़ा या टॉप लग गया ऐसी बात नहीं है। अगर आपने भी महसूस किया, अगर आपने कैश का अपना पोर्टफोलियो में से कोई भी एक भी शेयर बेचा, तो जहाँ से आपने बेचा है वहाँ तक वो लेने को मिलेगा ही नहीं, अगर अच्छी कंपनी है, ढंग की कंपनी है तो। बाकी तो बहुत कचरा तो बहुत है, बाकी जो है वो आपको थोड़ा सा अब सतर्क रहने का समय आ चुका है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद।